ऋतिक रोशन चाहिए तुम्हें? नहीं ऋतिक रोशन नहीं, टाइगर श्रॉफ चलेगा। टाइगर श्रॉफ इज अ टॉल बॉय। ओह हाँ टॉल बॉय। तुम्हें मौका मिले इंडिया में किसी लड़के से शादी करने का तो क्या तुम करोगी? लड़का सेक्सी हो, अच्छा हो, ऐसे करोगी? हाँ कर लूंगी। क्यों नहीं, मैं ऐसे बाजारों में लड़के पसंद नहीं कर, वो बस मुझे पसंद कर लेते। आप वैसे माशाल्लाह इतनी प्यारी, तो फिर पसंद तो कर ही लेंगे। गुरूर नहीं किया मैंने वैसे कभी। बस आपको पता है कि जो वहाँ के लोग हैं, ऑडियंस है, वो बहुत अच्छी तरह इंग्लिश बोल लेते हैं। बट जो है ना, हमारे यहाँ पे जैसे अब मैं भी बोल रही हूँ तो हमारा वो एक्सेंट नहीं बन पाता। हम लोग वैसे, क्योंकि हम लोगों को ना शुरू से जनरेट नहीं किया जाता इस चीज़ के लिए। हम ऑडियंस हमारी इंडिया की है, पसंद करोगी इंडियन लड़के को? हाँ व्हाई नॉट। ओह क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। और अगर मुस्लिम ना हुआ कर लोगे उसको मुसलमान? नहीं, किसी का मतलब नहीं चेंज करवाना, वो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो डेवलप में बहुत आगे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे हैं, मोबाइल जैसे एक है इनका बेस्ट, इनकी मेडिसिन भी काफ़ी हद तक आगे जा चुकी हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी कॉस्मेटिक्स भी, मैं भी ये गर्ल बोलती हूँ कि इनकी कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी होती है। सवाल ये कि अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप इंडिया में किस जगह पर जाना चाहेंगी? मैं आगरा जाऊँगी, ताजमहल देखूँगी। हाँ जी। अच्छा तो आपको लगता है कि इंडिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बता तो नहीं हूँ, ताजमहल है सबसे सही, ताजमहल ही अच्छी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में। दोस्तों हमारा ये चैनल नया है, इसीलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी लड़कियां भारत और भारतीय लड़कों के बारे में क्या सोचती है। भारत की बढ़ती हुई शक्ति और ताकत से पाकिस्तानी हैरान और परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। अच्छा नीलम, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रिच है या इंडिया? रिच तो ये है कि ज़रे इंडिया बहुत एक बहुत बड़े लेवल पे एक कंट्री है, उसके 70 से अबव ही सूबे होंगे प्रोविंस, तो वो रिच तो है। फिल्म इंडस्ट्री पूरी वहाँ है, मुंबई जो इंडस्ट्री है, तो रिच तो है। और दूसरा ये कि वहाँ पर यह है कि दूसरा महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस लिहाज से भी ये कि वहाँ पर जो भी लोग कारोबार करते हैं उनको फ़ायदा ही होता है। अब पाकिस्तान में ये कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर यहाँ पर हम जो है कुछ भी सपोज़ हमारे हम लोग कारोबार करें कुछ भी करें तो वो इतनी बचत उस तरह से भी नहीं हो पाती है जितनी वहाँ। आई थिंक सो इतनी महंगाई नहीं है कि वो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो डेवलप में बहुत आगे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे हैं, मोबाइल जैसे एक है इनका बेस्ट, इनकी मेडिसिन भी काफ़ी हद तक आगे जा चुकी हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी कॉस्मेटिक्स भी, मैं भी ये गर्ल बोलती हूँ कि इनकी कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी होती है। आ गया फिर देखी जाएगी, इंडियन ना होना चाहिए बस, सेक्सी होट जा। सेक्सी होट होगा, शादी कर लोगी? हाँ कर लूँगी, लेकिन मुस्लिम हो। मुस्लिम हो फिर शादी कर लोगी? हिंदू हो फिर? नहीं हिंदू से तो नहीं हो सकती शादी। नहीं तुम्हारे प्यार में चेंज कर लेगा अपना मजहब? जब वो करेगा तब देखी जाएगी ना। हाँ क्या क्वालिटीज चाहिए तुम्हें अपने हिंदू शोहर में? नॉट अ भारतीय शोहर में? नॉट अ हिंदू एंड भारतीय, लाइक इंडियन हो पर मुस्लिम हो। और इंडियन को क्या भारतीय नहीं बोलते? हम नहीं बोलते, आप बोलती हैं। इंडियन इज अ भारतीय। अच्छा भारतीय, भारतीय वो मोटी वाली? नहीं नहीं भारतीय, पक्के भारत के रहने वाले। अच्छा पक्के भारत के रहने वाले। तो लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? खूबसूरती के लिए पूछ रहे हैं या फिर माइंड फनी होना चाहिए? मैं ना हर लिहाज से पूछ रही हूँ, फनी होना चाहिए। और क्या हर वक्त तुम्हें मजाक बनाता रहे? नहीं मैं भी खुद थोड़ी बहुत फ़नी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन वो बातें सुनकर हंसी खुश रहता है ना फिर इंसान। अपना हस्बैंड इतना अच्छा हो तो फिर क्या फ़ायदा इधर उधर नहीं दिया नजर जाती शादी के बाद भी। और खूबसूरत होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, मतलब इतना भी टॉल ना कि मैं यूँ करके देखूँ। ऋतिक रोशन चाहिए तुम्हें? नहीं ऋतिक रोशन नहीं, टाइगर श्रॉफ चलेगा। टाइगर श्रॉफ इज़ अ टॉल बॉय। ओह हाँ टॉल बॉय है। अच्छा तो सारा दिन मजाक ही करती रहोगी इसके साथ, कुछ और यहाँ पर क्या करने आई? मैं यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई हूँ। मेरा इंटरव्यू लेने के देने आई हूँ, देने भी आई हूँ। अच्छा तो मुझे ये बताओ अगर तुम्हें मौका मिले इंडिया में किसी लड़के से शादी करने का तो क्या तुम करोगी? लड़का सेक्सी हो, अच्छा हो, ऐसे करोगी? हाँ कर लूँगी, क्यों नहीं, अगर हिंदू ना हो तो। हिंदू ना हो तो? यार हिंदू भी हो तो मैं तो मज़हब चेंज करवा ही दूँगी। अच्छा मज़हब तुम चेंज करवा दूँ? किस तरह का लड़का तुम्हें वैसे पसंद है? खूबसूरत, उसके अलावा नेक सीरत।
लेकिन पैसा होना भी तो जरूरी है। पैसा तो लो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पैसा है। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा पैसा है? हाँ बिल्कुल। उसके अलावा? इसके अलावा यार नेक सीरत बताया तो आई मीन तुम्हें प्यारा खूबसूरत हर चीज़ परफेक्ट हो उसकी, ठीक है? अगर इसमें ना हुई तो फिर ले तो फिर मैं शादी नहीं करनी। अगर तुझे गंजा मिला तो फिर लो गंजा। रिजेक्टेड। आर यू सिंगल स्टिल? तो चाहिए कोई? हाँ चाहिए, ऑफ कोर्स सिंगल हूँ। ऑडियंस हमारी इंडिया की है, पसंद करोगी इंडियन लड़के को? हाँ व्हाई नॉट। ओह क्या खूबियाँ नहीं चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। और अगर मुस्लिम ना हुआ कर लोगे उसको मुसलमान? नहीं, किसी का मतलब नहीं चेंज करवाना यार। वाओ। और एजुकेटेड हो और रिस्पेक्टेड, मतलब रिस्पेक्ट करने वाला हो, उसको पता हो कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं। हाल ये कि अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप इंडिया में किस जगह पे जाना चाहेंगी? मैं आगरा जाऊंगी, ताजमहल देखूंगी। हाँ जी। अच्छा तो आपको लगता है कि इंडिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बता तो रही हूँ, ताजमहल है सबसे सही। ताजमहल ही अच्छी है। ताजमहल। हाँ, और इंडिया के खानों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दोनों खानों में बहुत मशहूर है, तो इंडियन फूड में कौन सा फूड ट्राई करना चाहेंगी आप? इंडियन फूड में मुझे लगता है उनके पाव भाजी या इस तरह की चीज़ें उनकी ज़्यादा मज़े की होती हैं, क्योंकि हम लोग ज़रा चिकन पे फोकस करते हैं, हमारे टिक्के होते हैं, तो वो लोग क्योंकि सब्जियों पे और इस तरह की दाल की चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो पाव भाजी वाला उनकी अच्छी होती है, पानी पूरी अच्छी होती है उनकी, हमारे गोलगप्पों से बहुत ज़्यादा मज़े की होती है।